I accept the 75 days challenge. I accept the 75 days challenge. I accept the 75 days challenge. अच्छा व्हाट्स अप गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। तो बेसिकली काफ़ी वक्त बाद व्लॉग लेके आया हूँ और ये व्लॉग थोड़ा डिफरेंट व्लॉग होने वाला है, चैलेंज वाला व्लॉग होने वाला है। इस व्लॉग का नाम होगा 75 डेज चैलेंज, जो मैंने खुद लिया है। तो आगे चलाओ जानते 75 डेज चैलेंज के बारे में। सो चलो, बाकी बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट कि 75 डे हार्ड चैलेंज इज ये है क्या आखिर। तो इसमें बेसिकली पांच चीज़ें आपको कंसिस्टेंसी के साथ करनी होती है, जो कि आपको 75 डे तक कंसिस्टेंसी के साथ करनी होती है, और ये आप 75 डे के बाद ये आपको आदत लग जाती है। तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी होता है, क्योंकि आपको हैबिट अपनानी है कोई सी, तो उसको आपको लाइफ स्टाइल बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपकी लाइफ इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें पांच पॉइंट है, मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। पॉइंट नंबर वन, आपको वर्कआउट करना है, जो कि आप एक दफ़ा भी कर सकते हैं या फिर आप दो दफ़ा करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपसे दो दफ़ा नहीं होता तो एक दफ़ा ज़रूर कर लें वर्कआउट जाके जिम में। तो अभी हम थोड़ी देर बाद जिम चलेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर टू, आपको 3 लीटर पानी पीना है, क्योंकि पानी बहुत ही हेल्दी है, उसके फ़ायदे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ और मैं भी पीने वाला हूँ। पॉइंट नंबर थ्री इज़ दैट आपको एक सेल्फ डेवलपमेंट की बुक पढ़ना है, कोई सी भी बुक हो सकती है वो। मेरी स्पेशली फेवरेट बुक है एक एटॉमिक हैबिट, रिच डैड पुअर डैड और हाउ टू थिंक अ बिग। ये तीनों बुक ले सकते हैं आप और तीनों बुक को 10-10 पेज पढ़ें। पॉइंट नंबर फोर इज़ दैट कि आपको जंक फूड से बाय कह देना और हेल्दी फूड से हाई कह देना। आपको जंक फूड कुछ भी नहीं खाना है 75 डे तक, तब देखो कितने बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जंक फूड ना खाने के। तो आप हेल्दी फूड को हाई बोलो और हेल्दी लाइफ जियो। और पॉइंट नंबर फाइव इज़ दैट कि आपको डेली प्रोग्रेस नोट करनी है आपकी, मतलब आप पिक ले सकते हैं मिरर के सामने खड़े होके। सो या तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। सो बेसिकली बिगेस्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप 75 डेज चैलेंज आखिर स्टार्ट क्यों करें और ये 75 डेज चैलेंज आखिर है क्या। बेसिकली आपको ये पांच चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ करनी है और फिर आप इसके बाद आप खुद के अंदर अंतर देखेंगे कि आप पिछले वाले असद कैसा था और अभी वाला असद कैसा है। बेसिकली बुक पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये आप देखेंगे कि बुक पढ़ने से आपकी सोच काफ़ी काम हो रही है और आपकी थिंकिंग पावर काफ़ी अलग हो रही है। सो ये इसलिए ज़रूरी है कि आप औरों से काफ़ी बेहतर लगने लगोगे। सो 75 चैलेंज मेरे साथ साथ आप भी करें। सो या सो हमारा डे स्टार्ट करते हैं। मैं उठता हूँ 5:15 पे और अभी हो चुके हैं 7:30। तो 7:30 से पहले मैंने 10 मिनट की मेडिटेशन करी थी। मेडिटेशन के बाद मैं बुक पढ़ने बैठ गया हूँ, मैं हाफ एन आवर बुक पढ़ता हूँ। उसके बाद हम जिम चलेंगे 8:30 पे। जिम में हम बहुत बैक मारेंगे आज, तो बैक की एक्सरसाइज देखेंगे टॉप 4। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। बेसिकली मैंने बुक पढ़ ली है, अब इट्स टाइम टू गो टू द जिम। अब हम जिम चलेंगे। फाइनली मैं जिम में आ चुका हूँ और जिम में मुझे ट्राई करना है कि मैं ज़्यादा पानी पीऊँ, क्योंकि अपना 75 डेज चैलेंज में पानी भी ऐड है, जिसमें हमें 3.75 लीटर पानी पीना है। सो अभी मैं यहाँ पे आई थिंक 40 मिनट देने की कोशिश करूँगा और मैं आज बेस्ट वर्कआउट बताने वाला हूँ, जो कि बैग की होगी, क्योंकि बैग जिसको फुलाना हो, जिसको विंग्स चाहिए हो। और ये सारी मैं टॉप आई थिंक 4 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। तो चलो अभी हम बैग मारते हैं, बैग की टॉप 4 एक्सरसाइज देखते हैं। सो सबसे पहले जिम आने के बाद वार्म अप करने का, जैसे गाड़ी नहीं चलती पेट्रोल के बिना, वैसे बॉडी नहीं बनती वार्म अप के बिना। तो पहले वार्म अप करने का, उसके बाद बॉडी को गर्म करने का, उसके बाद अपन को मैदान में उतरने का, उसके बाद डंबल उठाने का अभी भी। तो आज मैं आपको वार्म अप के फ़ायदे गिनाने का, वार्म अप से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाने का और इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाने के, मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाने की। तो वार्म अप ज़रूर करने का। सो बेसिकली हम बैक की टॉप 4 एक्सरसाइज देखने वाले हैं। ये हो गया वार्म अप डन और अब हम बैक की टॉप 4 एक्सरसाइज देखने वाले हैं, जो कि आप ज़रूर ट्राई करें। सो यार ये वर्कआउट लेट पुल डाउन होना,
सबसे पहले ये वाली मारने का, सबका अपना अपना तरीका होना, लेकिन ये वाली मार के विंग्स निकालने का। ये वो भाई तो गिर गया रे, ध्यान रखने का, जिम में लापरवाही नहीं बरतने का। कोई बात नहीं, हार नहीं मानने का, ये बच्चा फिर से उठेगा। चल उठ जा, फिर से करने का। इस एक्सरसाइज का नाम टी बार रो होती। कोई पीठ पीछे बुराई करती तो ये अपनी बैक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने देती। इसलिए जिम में आती तो अपनी बैक को बहुत स्ट्रॉन्ग रखती। डेडलिफ्ट मारने के में यहाँ पे थोड़ा शो ऑफ करने का, बाइसेप्स वगैरह दिखाने का, बैक दिखाने का, पर अब थोड़ा सा वेट बढ़ा के लगाने का। हबीबी एक बात जरूर ध्यान रखने का, हबीबी समझ के बता रहे ला, प्रॉपर फॉर्म में जरूर लगाने का डेडलिफ्ट को, वरना इंजरी हो जाने का। हबीबी मैं नहीं चाहता तुम्हें इंजरी होए, तो प्रॉपर फॉर्म जरूर ध्यान रखने का। तो चलो डेडलिफ्ट मारने का। पॉइंट ये क्या हो जाने का, ये तो फिर गिर जाने का, इसमें क्लिप लगाना नहीं भूलने का। अब मैं क्लिप ढूंढता, क्लिप लगाता और उधर से वो गिर जाता। अयो इधर से ये फिर निकल जाने का, इसने मेरे को परेशान करके रखने का, मेरे को इसको टाइट क्लिप लगा जाने का। ये जो दिख रहा है ये 80 किलो वेट होने का, अपने पाँव को बिल्कुल टाइट रखने का, ग्रिप रखने और हाथ की ग्रिप एकदम स्ट्रांग रखने का, और कमर बिल्कुल सीधी रखने का, और गर्दन का भी बिल्कुल ध्यान रखने का, वरना गर्दन इंजर हो जाने का। अब हम थोड़ा शो ऑफ करने का। इस एक्सरसाइज का नाम स्ट्रेट आर्म पुल डाउन होने का। जब भी वर्कआउट लगाने का, माइंड कनेक्शन यहीं पे होने का। माइंड कनेक्शन से मुराद होने का कि जिस पार्ट को आप लगा रहे का उस पार्ट के बारे में सोचने का, सिर्फ उसी पार्ट के बारे में सोचने का, फिर वो पार्ट बढ़ने का। इसीलिए ये सिर्फ मेरी 15 दिन की प्रोग्रेस है, तो मतलब आई सीरियसली लव इट 75 डेज चैलेंज, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। It's just a beginning. अभी जो भी मैं हूँ, मैं literally it's just a beginning. Many more to come. So इसलिए मेरा वर्कआउट पूरा हो चुका है। मैंने बैक की वर्कआउट लगाया था आज, और मैंने टॉप 4 बैक की एक्सरसाइज बताई है, जो कि आप मस्ट ट्राई करें। और आपको अगर ऐसे विंग्स चाहिए तो ये जो विंग्स निकल जाते हैं ना ऐसे बाहर, वो बहुत प्यारे फील देते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें आप ये। तो चलो अब नेक्स्ट काम के लिए चलते हैं। सो मैं बताने वाला हूँ कि आपको बेनिफिट ऑफ वाटर, रोज़ाना 3 लीटर पानी पीने से क्या क्या बेनिफिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी स्किन को काफ़ी ग्लोइंग रखता है। सेकंड थिंग, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को वो काफ़ी अच्छे से हजम खाना कर देता है। बेसिकली मैंने देखा था कि मैं जब पानी इतना नहीं पीता था तो मुझे भूख भी बहुत कम लगती थी। अभी जब से मैंने पानी पीना स्टार्ट करा है 3 लीटर, तो मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लगती, एटलीस्ट 3 टाइम भूख लगने लगती है। तो मेरे हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ, और जो कॉग्निटिव फंक्शंस रहते हैं उसको इन्हेंस कर देता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। इतने सारे फ़ायदे, तो यार क्यों नहीं स्टार्ट करते हो, तो पानी पीना स्टार्ट करो 3 लीटर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।